हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर टू से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, सारे सिलेबस का दोस्तों हम मिक्स में मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मिसलेनियस क्वेश्चन का से रिलेटेड दोस्तों हम वीडियो नंबर 1 पहले भी आपको अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पर आप जाके देखे होंगे। यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उसको देख लीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो भी आपका सिलेबस है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, वाटर रिक्लेमेशन, रीयूज, इन सारे टॉपिक पर बेस्ड दोस्तों हमने वहाँ पर क्वेश्चन किया है। ओके, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सारा जो भी टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक वाइज हमने सारे से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस पहले ही कर चुके, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यदि नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। स्टार्ट करते दोस्तों कुछ अच्छे क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट है द प्रोसेस सच एज कंपोस्टिंग, एनएरोबिक डाइजेशन, इनसिनरेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन एंड पेलेटलाइजेशन आर एम्प्लॉयड फॉर। ये जो सारा प्रोसेस आपका कंपोस्टिंग है, एनोरिक डाइजेशन है, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन और पेलेटलाइजेशन हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? ओके, फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम रिडक्शन के लिए, मतलब वॉल्यूम को कम करने के लिए, या वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा वेस्ट है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो पहले जिस फॉर्म में था उसको हम नेक्स्ट में दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज करने के लिए। थर्ड, रिसाइकिलिंग करने के लिए, या नन ऑफ द यूज। तो देखिए दोस्तों, रिसाइकिलिंग का मतलब क्या होता है कि हम उसका फिर से दोबारा रिसाइकिल करके उसका हम यूज़ करें। लेकिन इंसिनरेशन में तो उसके एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देते हैं। जब हम इंसिनरेशन करते हैं या पायरोलाइसिस करते हैं, हम कंबसन कराते हैं, तो रिसाइकिलिंग तो नहीं हो सकता है। ऑल राइट, वॉल्यूम रिडक्शन सब में दोस्तों, आप चाहे डाइजेशन करें, एनएरोबिक डाइजेशन करें, इंसिनरेशन करें, पायरोलाइसिस करें, तो ऑब्वियसली सब में वॉल्यूम रिडक्शन होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ सारा वेस्ट है ट्रांसफॉर्म हो जाता है दोस्तों। जो हमारा वेस्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लगभग यूज़फुल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वेस्ट हमारा रहता है वो बाद में वेस्ट नहीं बच पाता है, वो कुछ दूसरा ही चीज़ बन जाता है, जैसे एसेज में कन्वर्ट हो जाता है। इंसिनरेशन में यूजुअली हमें क्या मिलता है लास्ट में? प्रोडक्ट, तो एसेज गैस वगैरह मिलता है। पायरोलाइसिस में यही मिलता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? इन सारे टेक्निक से हम, इन सारे प्रोसेस से हम क्या करते हैं तो वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, तो वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। ऑब्वियसली यहाँ वॉल्यूम का रिडक्शन तो है ही, टॉक्सिसिटी को भी दूर करते हैं वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन में, सॉरी वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, और अदर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट टू मेक इट सुटेबल फॉर फाइनल डिस्पोजल विदाउट रिकवरी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, ताकि हम इसको फाइनल जो डिस्पोजल कर सकें बिना किसी टॉक्सिसिटी, इसमें किसी प्रकार का टॉक्सिसिटी वगैरह नहीं होगा, और ताकि ये डिस्पोजल के लिए सुटेबल हो पाए। इट कैन बी डन अंडर वेरियस टेक्निक्स एज मेंशन बिलो। इसको हम कई मतलब तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीडिंग है, श्रीडिंग पल्वराइजेशन दोस्तों टर्मोलॉजी बार बार यूज होता है। श्रीडिंग का मतलब क्या होता है? कतरना। ओके, रिडक्शन ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल्स इन स्मॉलर वंस, उसको हम मतलब बड़े जो कोई पार्टिकल रहता है उसको हम छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा क्या है तो श्रीडिंग है। अब पल्वराइजेशन का मतलब होता है क्रशिंग, उसको मतलब ग्राइंड कर देना, पीस डालना। कंपोस्टिंग तो जानते हैं, इट इज ए बायोलॉजिकल मेथड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। इट कैन बी डन आइदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये एरोबिकली भी करा सकते हैं और एनएरोबिकली भी करा कर सकते हैं, मतलब कंपोस्टिंग को। नेक्स्ट, इंसिनरेशन, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। याद रखिएगा, जो इंसिनरेशन करते हैं हम हाई टेम्परेचर करते हैं और उसको फिर हम ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। गैसिफिकेशन और आपका जो पायरोलाइसिस है लगभग सिमिलर, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। देखिए, गैसिफिकेशन, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग बायोमास एट एक्सट्रीम टेम्परेचर। दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म कार्बोनेशियस कंस्टिट्यूएंट इनटू हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन। गैसिफिकेशन में हम क्या करते हैं तो एक्सट्रीम टेम्परेचर उसको बर्न करते हैं, जिससे कि जो भी कार्बोनेशियस कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे वेस्ट में, वो आपका हाइड्रोजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, इन सब गैसेज में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और कुछ और भी हायर हाइड्रोकार्बन वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, नाइट्रोजन वगैरह में भी। याद रखिएगा, गैसिफिकेशन दोस्तों हम रेस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन यूज़ करते हैं हम गैसिफिकेशन में, बट पायरोलाइसिस में बिल्कुल ऑक्सीजन भी यूज़ नहीं करते। यही डिफरेंस है दोनों में, दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, याद रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पायरोलाइसिस, इट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, मतलब एनएरोबिक एनवायरनमेंट में, विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 350 से 550। ये टेम्परेचर कभी कभी पूछ देता है, तो टेम्परेचर यहाँ 350 से 500 डिग्री सेल्सियस, डेट कुड रीच अप टू 700 डिग्री सेल्सियस, जो 700 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, और इंसिनरेशन इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर किया जाता है। दिस प्रोसेस डिकम्पोजिज ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मिक्सर। ये भी जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सॉलिड में, लिक्विड में या गैस और उसके मिक्सर में उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर हमारा वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू आर अपॉइंटेड एज ए प्लानिंग इंजीनियर फॉर द सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली इस एग्जाम के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका बहुत सारे लोग बनेंगे, ऑफिसर वगैरह बनेंगे। तो आपको मान लीजिए किसी प्लानिंग, आप प्लानिंग इंजीनियर है और किसी हैंडलिंग प्रोजेक्ट पे आपको भेजा गया है। यू आर गिवन द टास्क ऑफ डिटरमाइन द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट हैंडलिंग प्रोजेक्ट।
वेस्ट हैंडलिंग प्रोजेक्ट में सबसे महंगा क्या, मतलब कौन सा स्टेज हो सकता है वो आपको बताना है। विद द नॉलेज गेंड थ्रू द प्रोसेस व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग, मतलब सॉलिड वेस्ट को हैंडलिंग करने में, जो भी सॉलिड वेस्ट काम को मैनेजमेंट करना है, कई सारे उसमें प्रोसेस है आपका, सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, ट्रांसफर है, डिस्पोजल है, तो सबसे प्रीसियस, सबसे महंगा क्या हो सकता है दोस्तों, वो प्रोसेस क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, कलेक्शन है, स्टोरेज है, ट्रीटमेंट है, सेपरेशन है, इन सारे प्रोसेस में सबसे जो कह सकते हैं प्रीसियस आपका एक्सपेंसिव कंपोनेंट क्या है, तो हमारा सबसे ज़्यादा है एक्सपेंसिव कलेक्शन दोस्तों। कलेक्शन में जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट का ओवरऑल जितना भी हमें खर्च पड़ता है, इसमें एक्सपेंसिव पड़ता है, उसका 50% कलेक्शन में ही पूरा खर्च यहाँ पर लग जाता है। तो कलेक्शन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपोनेंट, याद रखिएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडलिंग करने में। ऑलराइट, सॉलिड वेस्ट मीन्स एनी गार्बेज, ये सब तो आसान बात है दोस्तों, कई बार इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ओके, जो मेन बात है वही हम देखेंगे अब, कलेक्शन स्टोर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके दोस्तों। ओके, अगर जो हम वो सब भी डिस्कस करने लगे तो दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मेरा यही पर्पस रहेगा अब कि हम पहले तो जो टॉपिक वाइज हमने डिस्कस किया था दोस्तों, वहाँ पर एक एक लाइन आपको हम सब चीज़ आप आराम से हिंदी में एक्सप्लेन किए थे, लेकिन यहाँ पर कोशिश करेंगे कि थोड़ा बचा जाए इन सब चीज़ों से, जो आसान है उसको स्किप करेंगे। कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड सेपरेशन आर ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये सब ये कंपोनेंट है आपका, कलेक्शन है, स्टोरेज है, ट्रीटमेंट है। बिकॉज ऑफ टिपिंग फीस, कलेक्शन इज जनरली द कॉस्टलीस्ट कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। टिपिंग फी मतलब क्या, जो लोग आपको कलेक्ट करने के लिए जाएंगे उसको कहीं ना कहीं आपको पैसा देना पड़ेगा, और चूंकि डोर टू डोर आपको वेस्ट को कलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों, तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। दिस टिपिंग फीस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिफ्यूज एंड द अमाउंट ऑफ वेस्ट डम्प्ड, ये टिपिंग फीस आपको किस प्रकार का आपका रिफ्यूज है और कहाँ पर आप डंप कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडिंग द रूटीन कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट फॉर इट्स फिजिकल कंपोजिशन। देखिए, सॉलिड वेस्ट का कौन सा ऐसा फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम रूटीन, मतलब जब हम उसको या कहिए कि सेग्रीगेट करते हैं, तो किस चीज़ को अब यूजुअली दिमाग में नहीं रख के, मतलब उसका हम मतलब अधिकतर इस्तेमाल नहीं करते हैं, कौन सा ऐसा फिजिकल कंपोजिशन है? मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल देखा जाता है दोस्तों, जो ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको हम अलग सेपरेट करेंगे, कम मॉइस्चर कंटेंट वाले को अलग सेपरेट करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है हमारे कंपोजिशन कंपोस्टिंग में। डेंसिटी, बिल्कुल डेंसिटी, लो डेंसिटी, हायर डेंसिटी को अलग अलग, जैसे आयरन का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, ये सब का अलग अलग डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी वाइज हम उसको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज एनालिसिस, इस चीज़ को भी देखते हैं। एनर्जी वैल्यू को यूजुअली नहीं देखा जाता दोस्तों, अगर आप कोई भी वेस्ट आपसे कलेक्ट करने के लिए आता है तो यूजुअली एनर्जी वैल्यू के बेसिस पे वो इस प्रकार से कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है, तो एनर्जी वैल्यू को हम यूजुअली इसको ये पैरामीटर हमारा नहीं है, तो याद रखिएगा एनर्जी वैल्यू। देखिए, पार्टिकल साइज एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन द वेस्ट स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस इन द डिजाइन ऑफ मैकेनिकल सेपरेटर्स एंड श्रेडर्स। ये मेजरमेंट है किसका, तो साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, जो अलग अलग हमारा पार्टिकल्स उसका साइज अलग अलग होता है, तो ताकि हम उसको बाद में जो हम उसका देखिए बाद में जो हमारा बाद में हमको श्रेडिंग करना पड़ेगा दोस्तों, उसको मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम पार्टिकल साइज एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है पोरोसिटी, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वॉइड्स पर यूनिट ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये मतलब डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि पोरोसिटी क्या होता है, तो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वॉइड्स पर यूनिट ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का पर यूनिट ओवरऑल वॉइड कितना है उसमें, उसके अंदर कितना, मतलब कह सकते एक प्रकार से रंध्र कितना है, वॉइड्स कितना है, छेद कितना है, तो ये उसको पोरोसिटी को बताता है। द पोरोसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वेराइज टिपिकली फ्रॉम 0.4 टू 0.67 डिपेंडिंग ऑन द कंपैक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ द वेस्ट। पोरोसिटी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का किस पर डिपेंड करता है, तो आपका कंपैक्शन और वेस्ट के कंपैक्शन और कंपोजिशन पर बेस्ड करता है, जो कि 0.4 से 0.67 तक हो सकता है। देखिए एनर्जी वैल्यू, द एनर्जी वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड इन द रूटीन कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट बिकॉज द कंबशन इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट एज वेल एज वी हैव टू गिव हाई एक्सटर्नल एनर्जी एंड इट ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। देखिए हम एनर्जी वैल्यू को इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि सारे वेस्ट का मतलब कंबसन करना तो जरूरी नहीं है, सबको कंबसन किया भी नहीं जा सकता है। ओके, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ता है, और अगर उसको हम कंबसन कराए भी तो बहुत सारा वेस्ट हमको पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। ओके, इसलिए हम एनर्जी वैल्यू को यूजुअली रूटीन कैरेक्टराइजेशन में हम उसको नहीं रखते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्री डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द सीवेज। देखिए अगर सीवेज में फ्री डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो हमारा फ्रीली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं है,
देन द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, तब द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑब्वियसली होगा क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, और ऑक्सीजन ना हो तो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो कह रहा है कि आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, सॉरी सीवेज में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो जो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। ये तो नाइट्रोजन से रिलेटेड है दोस्तों। बायोडिग्रेडेशन तो होगा लेकिन एनएरोबिक डिकम्पोजिशन यहाँ पर, फिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं, तो हमारा क्या होगा, पुट्रिफिकेशन का एक प्रकार होता है कि सरना हो जाता है, ये भी एक प्रकार का डिकम्पोजिशन ही है दोस्तों। जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या, देखिए नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनियम इनटू नाइट्रेट्स। सबसे पहले तो नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो अमोनिया को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं या नाइट्राइट में कन्वर्ट, उसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। हाउएवर सर्टेन डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इन सॉइल लाइक सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस कन्वर्ट सम ऑफ द नाइट्रेट बैक इनटू द नाइट्रोजन गैस। लेकिन कुछ जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है जो हमारे नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट मतलब NO3- है, उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, तो ये कौन करता है, आपका डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड तो क्वेश्चन रहता ही है। दिस प्रोसेस द अपोजिट ऑफ नाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रिफिकेशन का अपोजिट क्या है, तो डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से नाइट्रेट बनाते हैं या नाइट्राइट बनाते हैं, और डीनाइट्रिफिकेशन में हम नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। दिस प्रोसेस द लास्ट स्टेज इन द नाइट्रोजन साइकिल एंड अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी आपका एनएरोबिक मतलब कंडीशन में ही होता है। फिल्ट्रेशन देखिए, द वाटर आफ्टर द ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन कोगुलेशन सेडिमेंटेशन ऑल्सो मे कंटेन वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया इन इट। देखिए जो वाटर हम वेस्ट वाटर जो हमारा होता है उसका हम ऑब्वियसली पहले स्क्रीनिंग कराते हैं, फिर सेडिमेंटेशन कराते हैं, कोगुलेशन कराते हैं, फिर सेडिमेंटेशन कराते हैं, ताकि उसका जो भी मतलब सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह हो वो नीचे डिपॉजिट हो जाए, सेडिमेंट हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो बहुत फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल, कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर रह ही जाता है। इन ऑर्डर टू रिमूव द रिमेनिंग इम्प्योरिटीज, इस रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ को हमको निकालने के लिए, द वाटर इज पास थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल लाइक सैंड। इसको मतलब एक सैंड का कह सकते हैं कि सैंड का एक ग्रेनुलर मटेरियल होता है, हल्की सी परत होती है, उससे इसको पास कराना पड़ता है, जिसको फिल्टर पेपर आप जैसे कह सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल नॉन एज फिल्ट्रेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। देखिए पासिंग द वाटर थ्रू बेड्स ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल, उस ग्रेनुलर मटेरियल के बेड्स हम वाटर को जो हम पास कराते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। पुट्रिफिकेशन, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद द प्रोडक्शन ऑफ फॉल स्मेलिंग एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट एसोसिएटेड विथ एनएरोबिक कंडीशन। देखिए पुट्रिफिकेशन क्या है, तो ये भी है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑब्वियसली, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा फॉल स्मेल, आपको बहुत मतलब गंदा स्मेल आएगा, और बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो ऑक्सीजन का एब्सेंस हो रहा है इसलिए एनएरोबिक डाइजेशन है। तो पुट्रिफिकेशन जब एनएरोबिक डाइजेशन होगा तब क्या होगा, हमारा पुट्रिफिकेशन होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड शुड हैव ए डेप्थ बिटवीन। ऑक्सीडेशन पॉन्ड आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये क्या है, तो एक एरोबिक सस्पेंडेड टेक्निक हमारा, मतलब वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का, ब्यूडी को कम करने का हमारा एरोबिक सस्पेंडेड प्रोसेस है। ओके, एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायसिस के बारे में हमने पढ़ा भी है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उस टॉपिक में अच्छे से इसको डिस्कस किया है। देखिए क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड शुड हैव ए डेप्थ, जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड हम बनाते हैं उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, तो 1 मीटर से 1.8 मीटर के आसपास होना चाहिए उसका डेप्थ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मीटर से 1.8 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर से आपका 180 सेंटीमीटर तक। ऑक्सीडेशन पॉन्ड इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टेबलाइजिंग पॉन्ड और लेगून, इसको हम स्टेबलाइजिंग पॉन्ड और लेगून भी बोलते हैं। एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज एन आर्टिफिशियल पॉन्ड ऑफ कंट्रोल डिजाइन इन विच सीवेज कैन बी रिटेन्ड फॉर सफिशियंट टाइम फॉर टू सेटिसफाई बीओडी। देखिए ऑक्सीडेशन पॉन्ड एक हमारा आर्टिफिशियल पॉन्ड, हम आर्टिफिशियली इसको बनाते हैं ताकि हमारा जो सीवेज है उसको हम कंट्रोल डिजाइन में, मतलब खुद से नियंत्रित करके उसको कंट्रोल करके उसके बीओडी को हम कम कर सके। ओके, ताकि डिटेंशन टाइम भी आपको वहाँ पर सफिशियंट डालना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा देर तक वहाँ ठहरे और बीओडी उसका कम हो सके नेचुरल वे में। ऑब्वियसली यहाँ पर हम कुछ और ऐड नहीं करते, बस एक बार हम ऑक्सीडेशन पॉन्ड बना दिए, बैक्टीरिया नेचर में पहले से है, वेस्ट वाटर को लाके यहाँ पर डाल दिया, और कुछ हमको यहाँ पर नहीं डालना है। ओके, तो कॉस्ट इफेक्टिव है दोस्तों, किफायती है, ज़्यादा खर्च भी नहीं पड़ता है। द चेंज इन द करेक्टर ऑफ द सीवेज एंड वेस्ट मैटर अकर्स ड्यू टू द ड्यूअल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एलगी। यहाँ पर चूंकि बैक्टीरिया भी काम करता है, हमारा एलगी भी काम करता है, आपस में दोनों सिम्बायोटिक फॉर्म में, तो इसलिए इसको ड्यूअल एक्शन बोला है, एक्टीरिया और बैक्टीरिया का, इसको एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायसिस भी बोलते हैं। द एरोबिक बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेरिक एंड द एलगी आर एक्टिवली इन सनलाइट। ऑब्वियसली बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलेगा, तो जो एलगी है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस करेगा ऑब्वियसली उसमें अपना वो स्टार्च बनाएगा और बाद में वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। जैसे और पेड़ पौधा ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो एलगी भी क्या है, एलगी क्या है, थैलोफाइटा है, प्लांट के कैटेगरी का ही, ये सबसे बेसिक कह सकते हैं। ओके,
तो ये ऑक्सीजन छोड़ेगा और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा आपका बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से दोनों आपस में सिम्बायोटिक फॉर्म में काम करता है। देखिए डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है इसका। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक लोडिंग। तो फॉर हॉट कंट्री, जो मतलब गर्म देश है, वहाँ पर ऑर्गेनिक लोडिंग कितना होना चाहिए, तो 150 से 300 kg पर हेक्टेयर पर डे। और जो कोई कोल्ड कंट्रीज है, वहाँ पर ऑर्गेनिक लोडिंग कितना होना चाहिए, तो 60 से 90 kg पर हेक्टेयर पर डे। इस यूनिट में हैव एन एरिया ऑफ 0.5 to 0.5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर, मतलब अगर एक यूनिट बना हुआ तो वहाँ पर कम से कम उसका एरिया 0.5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर, कह सकते हैं आधा हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक। ओके, एक से आधा हेक्टेयर गया, आधा हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर, तो उसका एरिया होना चाहिए। डेप्थ में भी केप्ट बिटवीन 1 मीटर to 1.5 मीटर। डेप्थ आपका 1 मीटर से 1.5 मीटर हो सकता है, या 100 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर, जो भी इसी के रेंज में। डिटेंशन टाइम, मतलब वहाँ पर आपको वेस्ट वाटर को कितना देर तक छोड़ना है, तो 20 to 30 डेज, लगभग 20 से 30 दिन तक। तो उसको आपको वाटर को एक बार वेस्ट वाटर को छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद ब्यूटी उसका कम हो जाएगा। ब्यूटी रिमूवल अप टू 90%। देखिए दोस्तों, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, एफिशिएंसी जो आपका ऑक्सीडेशन पॉइंट का है 90%, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हुआ ये। ओके, इसलिए ये मतलब कॉस्ट इफेक्टिव ही हमारा, और चूंकि बीओडी बहुत बेहतरीन तरीके से कम हो जाता है, तो ये एक अच्छा मतलब बीओडी को कम करने का तरीका माना जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट पार्शियल कंबसन ऑफ कार्बोनेसियस मटेरियल एट हाई टेम्परेचर नॉन एज। देखिए दोस्तों, ये जो आपका है वर्ड पार्शियल कंबसन, पार्शियल कंबसन यहाँ पर काम करेगा। अगर पार्शियल कंबसन बोल दे एट हाई टेम्परेचर, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, गैसिफिकेशन। इंसिनरेशन, आप जानते हैं इंसिनरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कराया जाता है दोस्तों, ये भी हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन कंप्लीट कंबसन होता है इंसिनरेशन, या ओके इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। गैसिफिकेशन में रेस्ट्रिक्टेड, बहुत कम ऑक्सीजन डालते हैं। पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन डालते ही नहीं है। ऑल राइट, यहाँ ऑक्सीजन डालते हैं तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, गैसिफिकेशन। याद देखिए, पार्शियल कंबसन के बारे में आपको कहे कि कार्बोनेसियस मटेरियल का पार्शियल कंबसन, तो गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन देखिए, दिस इज द पार्शियल कंबसन ऑफ कार्बोनेसियस मटेरियल थ्रू कंबसन एट हाई टेम्परेचर रफली 1000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पार्शियल कंबसन कराते हैं, टेम्परेचर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, जहाँ उसके बाद ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस कंप्राइज मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर एंड मीथेन, विच कैन यूज एज ए फ्यूल। यहाँ से जो गैस रिलीज होता है, जैसे मीथेन है ये रिलीज हुआ दोस्तों, या हाइड्रोजन रिलीज हुआ, इसका हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, इंसिनरेशन देखिए, दिस रेफर टू द कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ वेस्टेज। यहाँ कंट्रोल्ड बर्निंग है, यहाँ पार्सल नहीं, कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ वेस्टेज एट हाई टेम्परेचर रफली 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इंसिनरेशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यूज होता है, याद रखिएगा 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस, और गैसिफिकेशन में रफली 1000। विच स्टरलाइज एंड स्टेबलाइज द वेस्ट इन एडिशन टू रिड्यूसिंग इस वॉल्यूम। एक तो स्टरलाइज भी कर देता है, स्टरलाइजेशन कहाँ करता है, तो जो हमारा हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह जो होता है, या इक्विपमेंट, बायोमेडिकल इक्विपमेंट को, हम बहुत सारे इक्विपमेंट को इंसिनरेशन करवाते हैं दोस्तों, स्टरलाइजेशन कर लिए के लिए, तो स्टरलाइज कर सकते हैं, या वॉल्यूम को रिडक्शन तो करता ही है, और वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का ये सब तरीका ही है, वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का ही। इन द प्रोसेस मोस्ट ऑफ द कंबस्टेबल मटेरियल दैट इज सेल्फ सस्टेनिंग कंबसन मटेरियल विच सेव्स द एनर्जी नीडेड टू मेंटेन द कंबसन सच एज पेपर और प्लास्टिक गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसेज। बहुत सारे जो हमारे कंबस्टेबल मटेरियल्स को हम ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और एसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, पायरोलाइसिस देखिए, दिस इज द थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोनेसियस मटेरियल टू द गैसेज लिक्विड एंड सॉलिड फ्रैक्शन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, याद रखिएगा, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होता है आपका 200 से 900 डिग्री सेल्सियस हो सकता है इसके बीच में, वहाँ पर 350 से 550। देखिए दोस्तों, ये रेंज बदलते रहता है टेम्परेचर आपका, याद रखिए कि अगर इंसिनरेशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, उसके बाद गैसिफिकेशन, देन टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं पायरोलाइसिस में। द प्रोडक्ट ऑफ पायरोलाइसिस इज गैस ऑफ रिलेटिवली हाई क्लोरिक वैल्यू 20,000 joules per gram विथ ऑयल टार एंड सॉलिड बर्न डिसाइडेड। ओके, यहाँ से जो हमको गैस मिलता है, उसका जो कैलोरिफिक वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसका फ्यूल में भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द स्लज डाइजेशन सिस्टम टू वर्क इफेक्टिवली, जो हमारा स्लज डाइजेशन सिस्टम है, अगर वो अच्छे से काम करें, द पीएच ऑफ द स्लज शुड बी बिटवीन। तो उसमें पीएच का रेंज कितना होना चाहिए स्लज डाइजेशन टैंक का, देखिए 10 से 12, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया दोस्तों, ये कोरोसिव होता है, ये इसमें तो बैक्टीरिया काम ही नहीं कर पाएगा। 8.5 से 10, 8.5 से 10, ये भी एक मनका का स्ट्रांग बेस ही हुआ। 3.5 से 5.5 आपका क्या हो गया, ये थोड़ा एसिडिक हो गया दोस्तों, ना ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, मतलब बीच में होना चाहिए, न्यूट्रल के आसपास होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 6.5 से 7.5। 6.5 आपका क्या हो गया, मतलब बहुत लीस्ट एसिडिक कह सकते दोस्तों, बहुत कम एसिडिक हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ गया। और 7.4 भी लीस्ट बेसिक, ओके, क्योंकि 7 के आसपास है, न्यूट्रल के आसपास है, तो न्यूट्रल, अगर न्यूट्रलाइजेशन रहता है मीडियम, तो न्यूट्रल मीडियम रहता है, तो आसानी से बैक्टीरिया काम कर पाता है। देखिए स्लज डाइजेशन प्रोसेस, द स्लज विड्रॉन फ्रॉम द सेडिमेंटेशन बेसिन कंटेंस अ लॉट ऑफ पुट्रेसेबल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड डिस्पोज्ड, एंड इफ डिस्पोज विदाउट एनी ट्रीटमेंट, अगर बिना उसको हम बिना ट्रीटमेंट के उसको हम छोड़ देते हैं, द ऑर्गेनिक मटेरियल में डिकम्पोज प्रोड्यूसिंग द फॉल गैसेज एंड लॉट ऑफ न्यूसेंस पोल्यूशन एंड हेल्थ हैजर्ड।
ओके ऑब्वियसली अगर हम स्लज डाइजेशन को दोस्तों जो हमारा स्लज बचा था उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बहुत सारा वहाँ पर फॉल ऑर्डर, एक तो वहाँ डाइजेशन तो होगा लेकिन फॉल ऑर्डर आपको बहुत गंदा स्मेल आएगा, नूसेंस वहाँ पर हो सकता है, फ्लाई ब्रीडिंग वगैरह सब हो जाए, पोल्यूशन क्रिएट करेगा और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच पोल्यूशन, इस पोल्यूशन को मतलब कम करने के लिए द स्लज इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबलाइज बाय द डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर अंडर कंट्रोल एनोरिक कंडीशंस। उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं तो कंट्रोल एनोरिक कंडीशंस में उसका हम डाइजेशन कराते हैं एंड देन डिस्पोज ऑफ सुटेबली आफ्टर ड्राइंग ऑन ड्राइंग बेड्स। उसको फिर से हम क्या करते हैं जो बच गया हमारा डाइजेशन के बाद जो हमारा बच गया उसको हम उसको ड्राइंग बेड्स उसको ड्राई करके फिर उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन इज कॉल्ड द स्लज डाइजेशन एंड द टैंक वेयर द प्रोसेस कैरी आउट इज कॉल्ड द स्लज डाइजेशन टैंक। ये जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं तो स्लज डाइजेशन, इसको हम स्लज डाइजेशन बोलते हैं और ये जहाँ किया जाता है उसको हम कहते हैं स्लज डाइजेशन टैंक कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एनएरोबिक स्लज डाइजेशन, देखिए एनएरोबिक स्लज डाइजेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है तो फर्स्ट टेम्परेचर इन द जोन ऑफ थर्मोफिलिक डाइजेशन, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म वेरी एक्टिव। दो प्रकार का बैक्टीरिया यहाँ यूज होता है दोस्तों, एक है थर्मोफिलिक जो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर उसको चाहिए और मीजोफिलिक जिसको थोड़ा कम टेम्परेचर वो अपना काम करता है। तो याद रखिए थर्मोफिलिक मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए, वेरी एक्टिव एंड द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 35 to 60 degrees Celsius। तो ये थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करता है। द डाइजेशन पीरियड ऑफ सच डाइजेशन इज अबाउट 7 to 10 days। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है उसको डाइजेशन करने के लिए कम से कम 7 से 10 दिन चाहिए। इन जो ना म्यूजोफिलिक डाइजेशन, जहाँ पर म्यूजोफिलिक डाइजेशन होता है, म्यूजोफिलिक ऑर्गेनिज्म वेरी एक्टिव, ऑब्वियसली म्यूजोफिलिक डाइजेशन म्यूजोफिलिक बैक्टीरिया हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और उसको टेम्परेचर रेंज कितना चाहिए तो 26 से 35 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा 26 से 35 और उसको 35 से 60। थर्मोफिलिक याद ऐसे ही डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप कि थर्मोफिलिक को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और जो म्यूजोफिलिक उसको कम टेम्परेचर चाहिए। द डाइजेशन पीरियड फॉर सच डाइजेशन अबाउट, इसको डाइजेशन करने में लगभग 30 दिन लग जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा नेक्स्ट है हमारा पीएच, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिजायर्ड रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फॉर द एफिशिएंट डाइजेशन ऑफ स्लज 6.5 से 7.5। जो हमारा एफिशिएंट डाइजेशन हो, डाइजेशन का एफिशिएंसी बेहतरीन हो, बैक्टीरिया सही से काम कर पाए, उसके लिए हमारा जो पीएच रेंज कितना होना चाहिए 6.5 से 7.5। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस आर द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ इन द स्लज। ऑब्वियसली बात है ये सारा न्यूट्रिएंट, ये जो सारा न्यूट्रिएंट आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑब्वियसली ये सब हमारे स्लज में तो पहले से मौजूद होता है, इसलिए तो बैक्टीरिया है लॉजिस्टिक फेज में ग्रोथ करता है और ऑर्गेनिक मैटर को कम करता है, डिकम्पोज कर देते हैं हमारा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके ब्यूडी को कम करता है। कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्लेंटीफुल इन इंडियन स्लज, देखिए पहले से हमारे इंडियन स्लज में तो बहुत ज़्यादा पहले से मौजूद होता है। नाइट्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस आर एडेड इन नाइट्रेट सल्फेट एंड फॉस्फोरस फॉर्म एफिशिएंट स्लज डाइजेशन। और हमको ये सब थोड़ा नाइट्रोजन सल्फर और फॉस्फेट ये सबको ऐड करना पड़ता है बाहर से। ऑल राइट, याद रखिए कार्बन हाइड्रोजन और ये सब तो पहले से मौजूद होता है हमारे स्लज में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेट ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वेट ऑक्सीडेशन सिलेबस का ही है। वेट ऑक्सीडेशन, इसको वेट एयर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ये एक प्रोसेस है जो क्या करता है तो देखिए फर्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग सस्पेंडेड मटेरियल इन सॉलिड फेज एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं, हाई टेम्परेचर भी करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग सस्पेंडेड मटेरियल, जो भी हमारा सस्पेंडेड मटेरियल है उसको लिक्विड फेज में हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखिएगा जो हमारा सस्पेंडेड मटेरियल है, सस्पेंडेड मटेरियल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ओके कहाँ पर, लिक्विड फेज में, वो भी हाई टेम्परेचर पर, याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग सस्पेंडेड मटेरियल लिक्विड फेज एट हाई टेम्परेचर। ये भी ऑप्शन देख लेते हैं, सॉलिड फेज यहाँ लिखा है दोस्तों, सॉलिड नहीं, यहाँ लिक्विड फेज लिखा है लो टेम्परेचर, तो ये भी नहीं, याद रखिएगा लिक्विड फेज में हम जो हमारा सस्पेंडेड मटेरियल है उसको लिक्विड फेज में होना चाहिए, उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं हाई टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड आंसर है। कंसेप्ट देखिए, वेट ऑक्सीडेशन ऑल्सो नॉन एज वेट और एयर ऑक्सीडेशन भी इसको बोलते हैं, रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सस्पेंडेड और डिजॉल्व मटेरियल इन द लिक्विड फेज। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारा सस्पेंडेड और डिजॉल्व मटेरियल है उसको लिक्विड फेज में एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको हम बर्न करते हैं, एक प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन करते हैं उसका। इट इज़ अ मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट स्ट्रीम डेट आर टू डाइल्यूट टू इंसिनरेट एंड टू कंसनट्रेटेड फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखिए ये उस वेस्ट के लिए हम करते हैं जो बहुत ज़्यादा टू डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है ताकि उसका हम इंसिनरेशन भी नहीं हो सकता है, ओके बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होने के कारण उसका हम इंसिनरेशन नहीं कर सकते हैं, और टू कंसनट्रेटेड फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड भी होता है कि उसका हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, बैक्टीरिया भी यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि हम वेट ऑक्सीडेशन किसका करते हैं, तो वैसा वेस्ट वो जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है जिसका हम इंसिनरेशन भी नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड भी होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड भी है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड भी, इसलिए उसका हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के वेस्ट के लिए हम वेट एयर ऑक्सीडेशन या वेट ऑक्सीडेशन करते हैं, ओके लिक्विड फेज में हाई टेम्परेचर पर। थर्मल वेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एयर ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट। देखिए जो थर्मल वेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसमें के लिए हम हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, ओके
ऑक्सीडेंट भी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए तो ऑक्सीडेंट चाहिए। वेट एयर ऑक्सीडेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑक्सीडाइजिंग वेस्ट वाटर, द वेस्ट वाटर कंटेनिंग लिक्विड वेस्ट अंडर प्रोसेस विद एयर और ऑक्सीजन एट ए हाई टेम्परेचर, 120 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यहाँ पर हमको टेम्परेचर चाहिए लिक्विड फेज में। इट इज़ गुड ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग द हाई ऑर्गेनिक कंटेंट पीडब्ल्यू विच कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द फाइन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए जो हमारा फाइन केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो हमारा लिक्विड वेस्ट निकलता है उसको डाइजेशन करने के लिए या उसका कह सकते हैं कि डिस्पोजल करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए वेट एयर ऑक्सीडेशन या वेट ऑक्सीडेशन सूटेबल है। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट है दोस्तों वेट ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैच दी फॉलोइंग है दोस्तों, कई सारा आपसे कौन सा रूल्स है, कौन सा एक्ट है, किस ईयर में पास हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट, ये 2002 में पास हुआ दोस्तों, बायोलॉजिकल हमारा जो डायवर्सिटी एक्ट 2002 में पास हुआ। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, ये 2011 का है शायद, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये 2011 का है दोस्तों, ये आपका 2011 का है, 2011। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2008 का है आपका, और म्यूनसिपल सॉलिड कब का है तो 2000 का है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कब है 2000 का दोस्तों, और हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट आपका 2008 में है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए का 4 आ गया है दोस्तों, सॉरी पी, ए पी है, पी क्यू आर एस है आपका, तो पी का 4 हो गया, क्यू का 3 हो गया आपका, ई वेस्ट आपका 2011 का आया है, और हैजार्डस वेस्ट 2008 का आया है, और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आपका 2001 में आया सबसे पहले, ओके। और जो बायोमेडिकल वेस्ट आया था 1998 में, उसके बाद अमेंडमेंट बार बार तो अमेंडमेंट हुआ, लेकिन पहली बार जो ये सब आया है उसका दिया हुआ आपका, तो हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ये आपका 2002 में आया है, ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स पहली बार 2011 में आया है, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2008 में आया है, और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2000 में आया है। ऑलराइट, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको देखते हैं थोड़ा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इज एन एक्ट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड नॉलेज। जो हमारा बायोलॉजिकल है, चाहे बायोलॉजिकल रिसोर्स हो सकता है, उन सबको मतलब किस प्रकार से हम कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सके, उसके लिए इस रूल में बताया गया 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द मैक्सिमम कार्बन अपॉन नाइट्रोजन रेशियो इन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्टेज। जो हमारा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का कंपोस्ट है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, देखिए कंपोस्ट के बारे में पूछा दोस्तों, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का जो कंपोस्ट है उसका मैक्सिमम कार्बन अपॉन नाइट्रोजन रेशियो कितना हो सकता है, तो ये हमारा होता है 20:1। कितना होता है 20:1, याद रखिएगा 20:1। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के बारे में हमने पढ़ा भी है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम पढ़ लेते, देखिए कंफ्यूजन पॉइंट क्या है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ द डाइजेशन मटेरियल शुड बी बिटवीन 30-50। कोई हमारा डाइजेस्टिव मटेरियल है, देखिए जिसका हमको डाइजेशन करना है उसके लिए हमारा डाइजेस्टिव मटेरियल के कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 30-50 होना चाहिए, याद रखिए 30-50 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर कंपोस्ट का पूछ ले तो वो 20:1 होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द प्रोसेस फ्लो इन इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए जो हमारा इंटीग्रेटेड एकीकृत ठोस अपशिष्ट जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका प्रोसेस फ्लो क्या है, मतलब उसका एक ऑर्डर क्या होना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्रोसेस फ्लो इन प्रोसेस फ्लो इन इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का एक पूरा प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले देखिए हम जनरेशन, ऑब्वियसली जहाँ वेस्ट जनरेट होगा वहाँ उसके बाद क्या होगा, सोर्स पे ही आपको उसको सेपरेट कर लीजिए, जो आपका वेस्ट आया है उसको सोर्स पे ही उसको सेपरेट कर लीजिए, सेग्रीगेट कर लीजिए, सोर्स सेग्रीगेशन, देन उसका कलेक्शन होगा, ओके, उसको आपको कलेक्ट करके ले जाएगा म्यूनसिपल वाले, फिर अगर उसको अगर हमने सही से सेग्रीगेट, अगर उतना अच्छा से सेग्रीगेशन नहीं हो पाता दोस्तों, या हमारे पास कोई और पैरामीटर होता है, उनके पास कोई और पैरामीटर होता है वेस्ट को सेग्रीगेट करने का, तो वो बाद में फिर से सेग्रीगेशन कर सकते हैं, या यदि आपने अच्छे से सेग्रीगेशन करके दिया तो वो नहीं करेंगे। एंड देन है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कि अलग अलग में, अगर हमको किसी का लैंडफिल करना है तो उसको ट्रांसपोर्ट लैंडफिल साइट पर भेज देंगे, किसी का प्रोसेसिंग करना हो तो उसको हम प्रोसेसिंग साइट पर भेज देंगे, देन है उसका हम लैंडफिल, ओके, जो हमारा बच गया उसको लैंडफिल। तो ये सारा प्रोसेस आपका जनरेशन है, सोर्स एग्रीगेशन है, कलेक्शन है, फिर से एग्रीगेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड देन लैंडफिल है, ये हमको काम रहेगा दोस्तों। तो 3rd ऑप्शन, देखिए जनरेशन है, सोर्स एग्रीगेशन है, कलेक्शन फैसिलिटी सेपरेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट लैंडफिल, देखिए पूरा प्रोसेस बताया हुआ आपका। सबसे पहले वेस्ट का जनरेशन, देन सोर्स सेपरेशन करते हैं, फिर कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन के बाद या तो अगर आपने सही से सेग्रीगेशन या सेपरेशन किया हुआ है तो सीधे उसको ट्रांसपोर्ट में भेज देते हैं, नहीं तो फिर से उसका प्रोसेसिंग एंड रिकवरी, उसको हम फिर से प्रोसेसिंग एंड रिकवरी में भेजते हैं, देन आफ्टर उसको हम ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं, देन उसका डिस्पोजल हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डिज़ाइन पीरियड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट, देखिए जो भी हमारा सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट बनाते हैं दोस्तों उसका डिज़ाइन पीरियड, मतलब एक बार हम बना दिए तो कितना ईयर तक चले, ये हम मान के कब तक के लिए उसको हम बनाते हैं, उसका लाइफ टाइम सॉरी उसका लाइफ लगभग कितना होना चाहिए, एक बार यदि बना दिए तो 15 से 20 साल तक, यदि एक बार आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया है किसी स्थान पर तो लगभग वो 15 से 20 साल तक अच्छे से रन करना चाहिए, उसमें कोई बीच में स्टॉपेज वगैरह या कोई ऑब्स्टेकल वगैरह नहीं आए कि आपको साइट को ही बदलना पड़ रहा है या मशीन वगैरह आपने इस प्रकार से लगा दिया कि उसको बार बार बदलना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं, सब चीज़ इस प्रकार से लगाएं कि 15 से 20 साल तक आपका रन करते रहे। देखिए डिज़ाइन पीरियड इट मे बी डिफाइंड एट द टाइम पीरियड फॉर विच द कंपोनेंट रिमेंस फंक्शनल, जो भी हमारा कंपोनेंट वगैरह है ओवरऑल सब चीज़ को देखा जाएगा वो कब तक फंक्शनल रहता है, इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं यहाँ पर। एज पर मैनुअल एंड सीवेज एंड सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम 2013 द फॉलोइंग टेबल शोज द डिज़ाइन पीरियड, देख जो हमारे 2013 का जो मैनुअल आया है उसमें ये डिज़ाइन कंपोनेंट के बारे में सीवरेज कंपोनेंट के बारे में बताया है। देखिए लैंड एक्विजिशन, अगर आप कहीं लैंड लीज पर ले रहे हैं ओके तो आपको लगभग 30 साल तक उसको लीज पर रहना पड़ेगा, ध्यान रखें। अगर कहीं लैंड ऑब्वियसली कहाँ जहाँ पर बनाना है सरकार का वहाँ पर अपना लैंड नहीं, तो ऑब्वियसली लैंड क्या कहते हैं लीज पर लेना पड़ता है ओके या कॉन्ट्रैक्ट पर लेना पड़ता है, तो कम से कम 30 साल तक आपको वहाँ पर लेना है लैंड। दिस देन है कन्वेंशनल सीवर, जो भी आप कन्वेंशनल सीवर बनाएंगे वो 30 साल तक उसका लाइफ हो ये होना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सीवर है तो उसका लाइफ कम से कम 15 साल तक होना चाहिए। ये कुछ पैरामीटर था 2013 के मैनुअल में। ऑलराइट, नेक्स्ट है द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्लज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, देखिए वो कौन सा यूनिट है जिसमें सेडिमेंटेशन और डाइजेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक ही साथ होता है, बताना है आपको। स्कीमिंग टैंक दोस्तों क्या होता है, तो आप जानते हैं स्कीमिंग टैंक जिसमें हम ऑयल एंड ग्रीस को हटाते हैं, ये तो हमारा होने सकता है। इनऑफ टैंक, ऑब्वियसली इनऑफ टैंक में हमारा सेडिमेंटेशन और डाइजेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। डिट्रेसर टैंक ये नहीं, डाइजेस्ट टैंक में ऑब्वियसली डाइजेस्ट टैंक में हम क्या करते हैं, तो जो हमारा सेडिमेंटेड जो हमारा स्लज था उसको हम भेजते हैं डाइजेशन टैंक में, यहाँ सेडिमेंटेशन नहीं होता, यहाँ तो हम सेडिमेंटेड स्लज जो है उसको भेजते हैं, तो ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। इमोफ टैंक में ये चीज़ होती है, देखिए इमोफ टैंक का कुछ आप पहले एक बार डायग्राम देख लीजिए दोस्तों। इमोफ टैंक है, एक यहाँ से एक चैम्बर है और दूसरा चैम्बर ये है, तो लगभग इसमें दो चैम्बर होता है, एक में यहाँ पर सेडिमेंटेशन धीरे धीरे होते रहता है, धीरे धीरे सेडिमेंट करके नीचे यहाँ स्लज बैठा और इसी स्लज का क्या होता है तो आपका डाइजेशन होता है और गैस यहाँ से रिलीज होता है। देखिए पढ़ते हैं, इमोफ टैंक इज यूज फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ सीवेज, क्लैरिफिकेशन का मतलब हम उसको एक प्रकार से वेस्ट को हम उसका हम सफाई करने के लिए, जो हमारा उसको विशुद्धिकरण करने के लिए क्लैरिफिकेशन, सिंपल सेटलिंग एंड सेडिमेंटेशन, इसके लिए हम ऑब्वियसली पहले सेटलिंग करवाएंगे सेडिमेंटेशन कराएंगे ओके अलॉन्ग विथ एनोरिक डाइजेशन, उसके बाद वहाँ पर एनोरिक डाइजेशन होगा। ऑब्वियसली पूरा का पूरा चैम्बर एयर टाइट रहता है, किसी प्रकार का एयर वहाँ पर इंटर नहीं करता है, तो ये एनोरिक डाइजेशन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। एनोरिक डाइजेशन और सस्पेंडेड कौन सा सिस्टम है, तो सस्पेंडेड सिस्टम ये क्वेश्चन पूछता है। कलेक्टेड वेस्ट स्लाइड डाउन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम विच कलेक्टेड सॉलिड स्लाइड डाउन इंक्लाइंड बॉटम स्लॉप्स टू इंट्रांस इनटू अ लोअर चैम्बर इन विच द स्लज इज कलेक्टेड एंड डाइजेस्टेड, हमने दो चैम्बर देखा था दोस्तों, जैसे ही पहले चैम्बर में आएगा वेस्ट वो धीरे धीरे वहां पर क्या होगा तो सेटल होगा, नीचे नीचे धीरे धीरे सेटल होगा, फिर वहां से वो दोनों अपना वेस्ट का डाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूजुअली हम लोग को क्या लगता है कि ये हमें आता ही होगा, आसान है, लेकिन देखिए दोस्तों कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में गलती करवा सकता है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन लाएं ताकि आपको एक प्रकार से डिस्कशन होने से आपके जो भी वीकनेस हैं वो दूर हो जाए दोस्तों, आप कहाँ गलती कर सकते हैं उन चीज़ों को यहीं पर दूर कर लें। चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ 5 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, देखिए जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का 5 R है उसका करेक्ट सिक्वेंस क्या है ओके, करेक्ट हमारा सिक्वेंस क्या है उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट रिड्यूस रीयूज रिफ्यूज रिसाइकल रिपर्पस, याद रखिए दोस्तों रिसाइकल सबसे लास्ट है, रिसाइकल स्टेज हमारा सबसे क्या है, तो रिसाइकल स्टेज हमारा सबसे लास्ट है। सेकंड रिफ्यूज रिड्यूस रीयूज रिपर्पस रिसाइकल, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर रिफ्यूज को सबसे लास्ट कर दिया, यहाँ भी रिसाइकल तो है लेकिन यहाँ पर रिड्यूस पहले कर दिया, हम रिड्यूस ही पहले कर लें ये गलत है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम रिफ्यूज करेंगे। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका हम जितना चाहे उसका हम इस्तेमाल करें दोबारा यूज करें उसको हम रिफ्यूज करते हैं ओके। तो याद रखिएगा स्टेप आपका सबसे पहले रेफ्यूज है, देन रिड्यूस है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ सकते हैं, देन रीयूज है, देन रीपर्पस है, एंड देन आपका रिसाइकल है ओके। तो रेफ्यूज रिड्यूस रीयूज रीपर्पस और रिसाइकल, देखिए सॉलिड वेस्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू, सॉलिड वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, सबसे पहले रेफ्यूज
रेफ्यूज को देखिए क्या है, तो रेफ्यूज है रेफर्स टू द रेफ्यूज द यूजेज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल। जो भी हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जैसे प्लास्टिक हो सकता है, कोई कंटेनर है आपके पास, ऑयल कैन हो सकता है, ऑयल का टीन वगैरह हो सकता है, तो उसका जितना ज़्यादा हो सकता है आप उसको अगर यूज़ करते हैं तो वो आपका क्या है, रेफ्यूज़ है। या देखिएगा रेफ्यूज़ क्या है, तो रेफ्यूज़ द यूजेज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। देन है आपका रीयूज, एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू यूज ए सब्सटेंस फॉर लॉन्ग एज मैनी वेज आर पॉसिबल, ये भी एक प्रकार से वही है, लेकिन सबसे पहले रेफ्यूज है देन रीयूज है। नेक्स्ट है रीपर्पस, फॉर एवरी इंडियन आइटम डेट कांट बी रिफ्यूज, जो भी हमारा इंडियन आइटम उसको हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते या रीयूज नहीं कर सकते, उसको हम क्या करेंगे, ट्राई टू रीपर्पोजिंग इट। एग्जाम्पल है कि ट्राई यूजिंग वेस्टेड प्रिंटर स्कार्फ फॉर प्रिंटर पेपर फॉर स्कार्फ पेपर कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर स्टोरिंग सप्लाइज एंड बाइंडर क्लिप्स टू होल्ड, ये भी एक प्रकार से क्या है, रीयूज है दोस्तों। रीपर्पस भी क्या है, एक प्रकार का रीयूज ही है, जिसका हम रीयूज वगैरह नहीं कर सकते हैं उसके लिए ये है। जैसे कि आप देखिए कार्डबोर्ड है आपके पास, यदि कार्डबोर्ड का बॉक्स है तो उसका आप कुछ स्टोरिंग सप्लाइज कुछ चीज़ों को आपको रखना है तो उसमें जाकर आप उसको रख सकते हैं। बाइंडर क्लिप्स टू होल्ड पावर कोड, जो भी आपके पावर कोड है उसको बाइंडर क्लिप्स में उसको हम रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। रिसाइकिलिंग तो सबसे बेस्ट तरीका है। ऑलराइट, रिसाइकिलिंग इज द मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली वेस्ट डिस्पोजल मेथड विच मीन्स टू कलेक्ट वेस्ट एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम इट, जिससे हम एक क्या करते हैं कि उस वेस्ट से हम कोई नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। ऑल राइट, अब बिटवीन क्या होता है दोस्तों, ए रिसाइकल प्रोडक्ट मेड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक डेट कैन यूज टू रोड कंस्ट्रक्शन, इस बिटवीन का यूज होता है। ओके, रिसाइकल प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ वेस्ट प्लास्टिक, जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है इसको हम रिसाइकल करके या इससे कहिए तो प्लास्टिक वेस्ट से जो हम पाउडर फाइन पाउडर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिटुमिन कहते हैं। ओके, जिसका इस्तेमाल रोड बनाने में किया जाता है। देखिए पूरा आपका एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सबसे पहले हम रिफ्यूज़ करेंगे, देन रिड्यूस, देन रीयूज, देन रीपर्पस, देन रिसाइकिल। याद रखिएगा रिसाइकिल सबसे लास्ट में, सबसे बेहतरीन तरीका रिसाइकिल है। सबसे पहले आपका रिफ्यूज है, देन रिड्यूस, रिफ्यूज रिड्यूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वाटर एक्ट 1924, जो वाटर एक्ट 1924 है उसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। ओके, यूजुअली लोग याद रहते, जैसे यहाँ देखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ये नाम है, या वाटर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट ये नाम है। देखिए आपको दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन करा दिया है। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सीज एक्ट, सीज एक्ट तो नहीं है। ओके, या तो सेकेंड होगा या तो थर्ड होगा, तो क्या है नाम इसका पूरा दोस्तों, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, याद रखिएगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1924, पूरा नाम इसका क्या है तो यही है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1924, ना कि वाटर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ऑलराइट, तो सेकंड आंसर हमारा करेक्ट है दोस्तों। देखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1924, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1924 टू सेफ गार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है उसको मतलब एक प्रकार से कंजर्व करने के लिए, उसका रक्षा करने के लिए, सही से देखभाल उसको, उसके लिए भारत सरकार ने वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1924 उसको पास किया है। ह्यूमन बींग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इन टू देम ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट इन टू विच वाटर बॉडीज आर गेटिंग पोल्यूटेड, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स ने उसका मतलब पोल्यूट किया है, अपने सारे वेस्ट को क्या करता है, जाकर नदी में या कहीं आसपास में तालाब वहाँ पर जाकर डंप कर देता है, ये बहुत गलत बात है। द मेन एम ऑफ वेस्ट इज टू मेंटेन द क्लीननेस ऑफ वाटर बॉडीज, मेन एम इसका क्या है तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट की हमारे वाटर बॉडीज को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको साफ करें। आपने एक हो सकता है वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों दिल्ली का, कि एक मंत्री थे, ऑल राइट, उन्होंने एक वहाँ के जो अधिकारी थे उसको कहा था कि गंगा में जाके डुबकी लगाओ, वहाँ पर लोग घाट पे कैसे जाके स्नान करेंगे, क्योंकि वो यमुना में, सॉरी गंगा में कह दिए, यमुना में जो झाग निकल रहा था बहुत सारा, तो उन्होंने बताया कि ये जो झाग है, ये जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, इससे किसी प्रकार का आदमी को खतरा नहीं हो सकता, इसमें आसानी से नहाया जा सकता है, और उन्होंने उसमें उस पानी से स्नान करके भी दिखाया था। ओके, जो अधिकारी थे वहाँ का म्युनिसिपल वालों का। देखिए कुछ एक्ट है उसका कब कब पास हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में पास हुआ है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में, वाटर प्रिवेंशन आपको पता है 1924 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दोस्तों 1980 में इंपॉर्टेंट है, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 में भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन है नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000 में, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपका 2002 में। ये सारी चीज़ को याद रखिए, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट है इट इज मोर इफेक्टिव दैन डैम्स, बिल्कुल सही बात, ये डैम्स से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है,
क्योंकि डैम्स बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा के खर्च होती है, बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं वहाँ से माइग्रेशन करना पड़ता है। आपने देखा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चल रहा है वो क्यों है, बहुत दिनों से ये आंदोलन चल रहा है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को आसपास जहाँ भी डैम बना है उसके आसपास बहुत सारे लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो मेधा पाटेकर बहुत दिनों से लड़ रही है इसके लिए, ईट रिचार्ज और डैम का दोस्तों बहुत सारा नुकसान भी है तो फायदा भी है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है बहुत, हाँ बिल्कुल सही बात है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारा जो ग्राउंड वाटर है एक्वीफर रिचार्ज हो जाता है। नेक्स्ट, द मेथड हैज़ कम टू एग्जिस्टेंस इन मॉडर्न टाइम, कि ये जो मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या यह मॉडर्न टाइम है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। आपका आपको पता होगा शायद कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत दिनों से 11वीं सदी में सोलंकी वंश के राजवंश की जो सोलंकी राजवंश जो था वहाँ पर गुजरात में, पाटन गुजरात में दोस्तों, पाटन गुजरात में वहाँ एक रानी थी, रानी उद्मती, उन्होंने अपने पति की याद में दोस्तों, पति भीमदेव प्रथम जो पति थे उनके राजा भीमदेव प्रथम की याद में रानी का बाव ये शायद 100 के नोट पे के पीछे बना हुआ है रानी का बाव, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। रानी का बाव आप देखे होंगे, ये क्या था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही बहुत बड़ा नमूना था। इसमें बहुत बड़ा कुआं भी बनाया गया था, मंदिर भी आसपास में था बहुत ज़्यादा, ये कुआं था उसमें जो पानी था दोस्तों उस पानी में औषधीय गुण था, मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज था, बहुत सारे जो मतलब अकाठ्य बीमारी कह सकते हैं ऐसा बीमारी, लाइलाज बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पाता था वो इस पानी का यूज़ करने से उस बीमारी को दूर किया जा सकता था आसानी से, मतलब क्योंकि ये जो बना रानी का बाव जहाँ बना हुआ था उसके आसपास बहुत सारा औषधीय वो गुण वाले पौधे थे आसपास में, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी इस पानी में भी आ जाता था कुआं में। 2014 में रानी की बाव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया। ओके, तो रानी का बाव पाटन गुजरात में है, ये सीढ़ीनुमा कुआं था, सीढ़ीनुमा कुआं या उसको उल्टी मंदिर का नमूना, मतलब 7 मंजिला का बना हुआ था, जो उल्टा मंदिर है ना उस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ था, बहुत सारा मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर था वहाँ पर। ओके, 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। तो 11वीं सदी में ये बना था दोस्तों। तो जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक है या जो हमारा प्रोजेक्ट है कह सकते हैं ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है, तो ये तो गलत है हमारा, यही हमसे इनकरेक्ट पूछा तो ये गलत है। वाटर कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, बिल्कुल सही बात है, अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो वाटर को हम कंटामिनेशन से भी बचा लेते हैं, तो ये भी हमारा सही है। हमसे पूछा कौन गलत, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए सिंपल टेक्निक फॉर और टेक्निक डेट कलेक्ट स्टोर कन्वेज एंड प्यूरीफाई रेन वाटर डेट रन ऑफ ट्यूब्स रूफटॉप्स पार्क्स रोड्स ओपन फील्ड्स एंड अदर सर्फेस फॉर वाटर यूज, मतलब जो भी आपकी बारिश होता है आपके छतों पर जो बारिश होता है दोस्तों उसको वाटर को हम अगर कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लेते हैं तो बाद में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यही हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वाटर कंजर्व, देखिए एक प्रकार से बहुत बढ़िया और सरल तरीका है और सबसे ओल्डेस्ट है दोस्तों, बहुत पुराना ये टेक्निक है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का। वाटरिंग गार्डन्स लाइव स्टॉक इरीगेशन होम्स यूज विद एडिकेटेड ट्रीटमेंट एंड होम हीटिंग आर जस्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन, द वाटर कलेक्टेड इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, को हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले वाटर को। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, एग्रीकल्चर यूज में इसका यूज कर सकते हैं। इट इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एंड हेल्थ इन ग्राउंड वाटर, देखिए हमारे जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी यह इम्प्रूव करता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब बहुत ही किफायती है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है। ओके, रिड्यूस द वेस्टेज वाटर, और जो बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो रहा है उसको भी कम करता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव देन डैम्स बिकॉज द वाटर स्टोरेज कैन बी डन एट द इंडिविजुअल लेवल, हैंस क्रिएट रेडली अवेलेबल सोर्स टू परफॉर्म डोमेस्टिक फंक्शन, मतलब ये डैम से भी ज़्यादा इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर हम सब भी अपने घरों में भी कर सकते हैं वाटर स्टोरेज को, वाटर को स्टोर कर सकते हैं। अगर छत पर एक बहुत बड़ा जैसे हम लोग टैंक लगाते हैं अपने घरों पर वाटर सप्लाई के लिए, उसी प्रकार से एक हम सीमेंटेड अगर दोस्तों लगा दें ताकि जो बारिश हो, मानसून का जो बारिश हो उसमें पूरा वो भर जाए, अपने घरों को सफाई के लिए इस्तेमाल करते पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं पानी के लिए, बाद अगर कभी गाड़ी वगैरह धोते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा हम सारे वाटर कहाँ से लेते हैं, तो ग्राउंड वाटर से ही उस वाटर का। इवन मवेशी को भी धोने के लिए लोग आजकल देखते हैं कि जब नल जल वाला है सब अपने मतलब पाइप लगा के और मवेशी को भी उससे धोता है, बहुत ज़्यादा वाटर का बर्बादी होता है। नेक्स्ट है, रेफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूड, जो हमारा रेफ्यूज है उसमें हम जनरली किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट करते हैं, एसिड को भी करते हैं, नॉन पुट्रेसेबल को करते हैं, तो एक्सक्रीटा को रेफ्यूज में जनरली इंक्लूड नहीं किया जाता, याद रखिएगा एक्सक्रीटा। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, देखिए जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, बताना है कौन सही है कौन गलत है।
दे आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला मिनिस्ट्री देते, ये नहीं देते हैं, तो गलत है। अंडर इट सर्टेन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इशूज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोड्यूसर फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। बिल्कुल सही बात है। इसी में दोस्तों पहली बार जो 2016 का रूल्स था उसमें पहली बार EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी प्रोड्यूसर हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं उनके ऊपर ये जिम्मेवारी होगी कि बाद में जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेच रहे हैं, उससे जो वेस्ट जनरेट होगा उसके डिस्पोजल के लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। तो EPR को सबसे पहले इसी में बताया गया था। हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट दोस्तों, सेकंड ओनली करेक्ट है, पहला तो गलत हो गया। ऑलराइट, देखिए स्टेटमेंट वर्ड इज इनकरेक्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने नोटिफाई किया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 विच गॉट अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसको बार बार मतलब अमेंडमेंट किया गया। सो फार द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड ए की स्टेप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ओके एज ई वेस्ट। बहुत सारे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको ई वेस्ट में कैटेगराइज किया, तो 21 प्रकार का है, याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है। वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द 2016 रूल्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ EPR, जब जो सबसे बड़ा हाईलाइट था 2016 के रूल्स का वो EPR था। According to the rules, the CPCB issues EPR authorization to the producer of EEEE along with e-waste collection targets and annual basis। मतलब उसको producer, जो भी producer है CPCB ने उस producer को responsible बनाया है, या कि आप इसे जो भी waste generate होगा उसके disposal के लिए आप खुद responsible हो गए। ओके, इसका तरीका आपको ढूंढना है। Next, consider the following statement। The gas liquid obtained after pyrolysis solid waste are used as fuel। हमने पहले ही पढ़ा दोस्तों कि यहाँ से जो गैस लिक्विड वगैरह रिलीज होता है उसका हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गैस मीथेन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है पायरोलाइसिस में, तो उसका हम फ्यूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सैनिटरी लैंडफिल आर एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम लीचिंग, ऑब्वियसली बात है जो हमारा सैनिटरी लैंडफिल है उससे लीचिंग प्रोड्यूस होता है, तो बोथ एंड 1 एंड 2 करेक्ट है हमारा। हमसे पूछा कौन करेक्ट है, तो बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रिट रिमूवल यूनिट विच है ऑल्सो रिमूव द स्लिट सिल्ट एज वेल एज सम ऑर्गेनिक मेटल अलॉन्ग विथ। देखिए इसमें से कौन सा जो ग्रिट रिमूवल यूनिट है आपका जो थोड़ा बहुत स्लिट को भी रिमूव कर देता है, तो ग्रिट रिमूवल यूनिट के बारे में हमने पढ़ा है दोस्तों, वो क्या है आपका डिट्राइटस टैंक। क्या होता है, तो डिट्राइटस टैंक, अगर डिट्राइटस टैंक, बिल्कुल सही बात दोस्तों, डिट्राइटस टैंक हमारा ग्रिट रिमूवल यूनिट है जो कि थोड़ा बहुत स्लिट को भी रिमूव कर देता है, तो आपका डिट्राइटस टैंक। स्कीमिंग टैंक से ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इज रॉन्ग, रिसाइकलिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, द सेव्स प्रीसियस रिसोर्स। बिल्कुल सही है, अगर रिसर्च रिसाइकलिंग हम करते हैं तो कुछ हमारा जो प्रीसियस रिसोर्स है संसाधन है उसको ये हम बचा लेते हैं। रिक्वायर स्टेबल मार्केट, बिल्कुल सही बात है। इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस एफिशिएंसी को बढ़ा लेते हैं। इंक्रीज द नीड्स फॉर माइनिंग वर्जिन मटेरियल, ये कह रहा है दोस्तों कि इंक्रीज द नीड्स फॉर माइनिंग वर्जिन मटेरियल, जो हमारा वर्जिन मटेरियल मतलब नया जो हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए नीड्स को बढ़ा देता है, जरूरत को हमारा बढ़ा देता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम जब रिसाइकल कर रहे हैं ना तो चीज़ें हमें हमारे पास अब कुछ कम ही चीज़ें का इस्तेमाल होगा नया चीज़ बनाने के लिए। ओके, क्योंकि हमारे पास पहले से रिसाइकल किया हुआ है, तो करके वर्जिन मटेरियल को बनाने के लिए आपके नीड्स को बढ़ा देता है रिसाइकल, बिल्कुल गलत बात है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, याद रखिएगा, ये इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी मटेरियल, हैवी मटेरियल फाउंड इन रॉ सीवेज इज कॉल्ड, जो रॉ सीवेज के अंदर हैवी मटेरियल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ग्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिट कहते हैं। ओके, ग्रिट को हम ग्रिट चैम्बर से रिमूव करते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट इन इंडिया EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच द फॉलोइंग। EPR के बारे में हमने क्या है दोस्तों कि EPR को कब लॉन्च किया गया था, तो आपका ये है आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2011, ऑब्वियसली वहाँ पर 16 था लेकिन अमेंड किया गया था 16 में, लेकिन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 में इसको हम ऑब्वियसली ई वेस्ट से ही रिलेटेड कह सकते हैं आप। EPR जो आपका है ये किससे रिलेटेड है, तो EPR आपका ई वेस्ट से ही रिलेटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, द प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज एम्ड एट, जो प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसमें हम किस पे एम करते हैं, सेटलमेंट पे, बिल्कुल नहीं, फिल्ट्रेशन पे, ऑब्वियसली बात फिल्ट्रेशन तो करते ही है लेकिन मेन हमारा एम किस पे रहता है, तो सेडिमेंटेशन पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक हो या जो सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह हो, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे सेटल कर जाए, सेडिमेंट हो जाए, ताकि हमारा जो वेस्ट वाटर है, ऑब्वियसली हमको क्या करना है, वेस्ट वाटर को ना ट्रीटमेंट करना है दोस्तों, सॉलिड वगैरह तो करना नहीं है, जो ऑर्गेनिक सॉलिड है सस्पेंडेड सॉलिड है उसको तो करना नहीं है, तो मेन हमारा एम रहता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में कि हम सेडिमेंट कर ले, बहुत सारे वेस्ट को हम सेडिमेंट कर ले, तो सेडिमेंटेशन प्राइमरी ट्रीटमेंट का कुछ प्रोसेस दिया हुआ है।
सेकेंडरी ट्रीटमेंट, हम सब ने इस सब के बारे में दोस्तों पहले से डिस्कस किए हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि आप दोबारा डिस्कस हो। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्पोज बाय, जो हॉस्पिटल में ड्रेसिंग का मटेरियल रहता है दोस्तों। ड्रेसिंग मतलब क्या, मान लीजिए किसी को जख्म हो गया है, ऑल राइट, तो उसको कई सारा मतलब बैंडेज वगैरह सब किया जाता है, तो बाद में उसका बार बार उसको ड्रेसिंग करना पड़ता है। ओके, कोई मतलब किसी प्रकार से घायल हो गया है तो उसको फिर से टाँका वगैरह लगता है, तो बाद में फिर उसका ड्रेसिंग वगैरह करना पड़ता है, तो वो जो हमारा वेस्ट निकलता है, ड्रेसिंग का वेस्ट निकलता है, उसको हम किस प्रकार से डिस्पोज कर दें। बॉइलिंग तो बिल्कुल नहीं, डंपिंग ये भी नहीं, बर्निंग नहीं, ये भी नहीं दोस्तों, बर्निंग उसका क्या करेंगे, बर्निंग ही उपाय है, क्योंकि वहाँ पर आपको ब्लड के साथ वो मिक्स हो जाता है, तो ब्लड के साथ जब वो मिक्स होता है, ब्लड उससे वो कंटामिनेट हो जाता है, तो उसको बर्निंग करना ही आपके लिए बेटर रहेगा। बर्निंग हो सकता है, इंसिनरेशन हो सकता है, तो ये बेटर रहेगा। बॉइलिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, आप वहाँ कॉटन का यूज़ होता है दोस्तों, कॉटन को हम क्या बॉइल करेंगे। डंपिंग अगर यदि हम कर देते हैं तो आसपास में यदि कोई कैटल वगैरह हो तो उसके वो कंटामिनेट कर सकता है। बरिंग में भी यही बात होगा। ओके, नीचे जो हमारा कुछ मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रह रहा है नीचे, ओके, अर्थ के अंदर, तो उसको भी यह मतलब इन्फेक्ट कर सकता है। तो अब बाद में फ्लाई ब्रीडिंग जो हमारा मक्खी वगैरह है उसको अगर इन्फेक्ट हो गया, मक्खी किसी के पास अगर बैठ गया तो उसको ये आपस में कंटामिनेट कर सकता है, तो इसलिए बर्निंग ही उसका बेस्ट तरीका है, बर्निंग। सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द CPCB गाइडलाइन द लैंडफिल साइट शुड बी एट, CPCB गाइडलाइंस के अनुसार आपका लैंडफिल साइट कितने दूरी पर होना चाहिए नदी से, रिवर से कितने दूरी पर होना चाहिए दोस्तों, तो 100 मीटर। जो अगर रिवर है, रिवर से आपका 100 मीटर होना चाहिए। ओके, और पॉन्ड वगैरह है तो पॉन्ड से 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए दोस्तों। देखिए, द लैंडफिल साइट शैल बी 100 मीटर अवे फ्रॉम द रिवर, रिवर से 100 मीटर दूरी पर होना चाहिए, 200 मीटर अवे फ्रॉम द पॉन्ड, अगर कोई पॉन्ड है आसपास में तो उससे 200 मीटर होना चाहिए, कोई हाईवे भी है तो हाईवे से भी आपका 200 मीटर दूर होना चाहिए, और एयरबेस आसपास में है, एयरबेस मतलब एयरपोर्ट वगैरह है तो आपको 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ऑल राइट, तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, मिसलेनियस क्वेश्चन है। सब चीज़ों से हमने हर चीज़ टॉपिक, हर टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, तो ऐसे ही हम और वीडियोज़ लाएंगे दोस्तों। अब बस अपना एक प्रकार से प्यार बनाए रखिए, मोटिवेट करते रहिए, कुछ कमेंट करते रहिए। ओके, कोई क्वेरी हो तो दोस्तों वो भी पूछ सकते हैं, ताकि हम और इंस्पायर होकर आपको और वीडियो प्रोवाइड करा सके। ओके दोस्तों, क्वेश्चन तो अपने पास अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, तो कोई क्वेरी हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट देख लेते हैं बस लाइक नहीं करते हैं, और आपका कोई मित्र है तो उसको भी शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उसका भी पढ़ाई हो सके, एग्जाम मोर प्रायोरली कि आपका हो जाए 12-13 तारीख को। ऑल राइट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।